जाएगा। जहाँ पर दान की बात आएगी तो भामाशाह को हमेशा याद रखा जाएगा। जहाँ पर वीरता की बात आएगी वहाँ पर वीर खटकों को हमेशा याद रखा जाएगा। जहाँ पर घोड़े की बात आएगी वहाँ पर चेतक को जरूर याद रखा जाएगा। जून 1576 को जब राजा मानसिंह मुगलिया सेना की अगुवाई कर रहे थे और हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की जान खतरे में आ गई थी, उस वक्त यदि महाराणा प्रताप का साथ भामाशाह, झाला, चेतक और वीर खटिक नहीं देते तो आज इतिहास के पन्नों में महाराणा प्रताप का अस्तित्व नहीं होता। भामाशाह, झाला, चेतक और वीर खटकों ने समय की उस मांग पर इतिहास के पन्नों को अपने रक्त से लिखकर भारत माँ की गोद में समर्पित तो कर दिया। फैसला हमें और आपको करना है कि हम उन वीरों को किस तरह से याद करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में महाराणा प्रताप और वीर खटकों के संबंध पर चर्चा करेंगे। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए, किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं की कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु दो बूंद पानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र भाई अभिषेक कुमार भट्ट और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि जो भी मेरे मित्र इस वीडियो को देख रहे हैं वो इतिहास के कुछ पन्ने जो मैं भूल जाऊं, जो मुझसे गलतियां हो जाएं, वो कमेंट बॉक्स में जाकर महाराणा प्रताप से संबंधित जो भी जानकारी उनके पास हो या महाराणा प्रताप और खटकों के संबंधित कोई भी जानकारी उनके पास हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। ये कहानी दिल्ली सल्तनत के एक कथित महान बादशाह अकबर के समय की है, जब मुगलिया बादशाह उस वक्त दिल्ली के तख्त पर काबिज था। उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों पर मुगलिया सल्तनत काबिज हो चुकी थी, लेकिन मेवाड़ वो भूमि थी जहां पर मुगलिया सल्तनत के पांव हमेशा लड़खड़ाते रहे। विश्व विजय की मंशा रखने वाले मुगलिया सेना और उनके राजाओं ने अपने अभिलेखों में मेवाड़ के दर्द को बयां किया है। कहते हैं लोहा लोहे को काटता है। उस वक्त महाराणा प्रताप और मेवाड़ दोनों मुगलिया सेना के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए थे और ये बात अकबर को बखूबी पता थी और मुगल बादशाह को उसके गुरु ने एक बात बताई थी जो भी उसको बखूबी याद थी। उसके गुरु ने उसको बताया था कि तुम कुछ भी करना अकबर, लेकिन कभी भी महाराणा प्रताप के सामने मत जाना। ये दोनों बातें अकबर ने अपने गांठ बांध रखी थी, इसीलिए उसने महाराणा प्रताप पर हमेशा युद्ध करने के लिए किसी दूसरे को भेजा और इस युद्ध में उसने मानसिंह का इस्तेमाल किया। मानसिंह अपनी सेना के साथ मुगलिया सेना लेकर हल्दी घाटी आ पहुंचे थे, जहां पर महाराणा प्रताप की सेना और महाराणा प्रताप उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहां पर मानसिंह ने महाराणा प्रताप को दुविधा में डाल दिया। अब महाराणा प्रताप को न सिर्फ मुगलिया सेना से लड़ना था बल्कि अपने सामने खड़े अपने रिश्तेदारों से भी युद्ध करना था। ऐसे में महाराणा प्रताप ने अपने संस्कारों की रक्षा करते हुए स्वयं अपनी सेना समेत जंगल जाने का निर्णय लिया। जंगल, कहा जाता है जंगल में शेर और खटीक से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ती है और इस बार महाराणा प्रताप के साथ शेर जैसा मित्र भामाशाह और वीर खटीक जंगल में उनके नए मित्र मिले। यहाँ पर दोनों भामाशाह और वीर खटीक दोनों मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए हमेशा से तैयार रहते थे। अब महाराणा प्रताप की ताकत दोगुनी हो चुकी थी। दोस्तों, युद्ध पराजय की जो पीड़ा होती है उसको हर व्यक्ति नहीं समझ सकता और उस वक्त युद्ध पराजय की जो पीड़ा महाराणा प्रताप के सीने में जल रही थी उस पर सबसे पहला मरहम वीर खटकों ने लगाया। जंगल में आई मेवाड़ी सेना जब एक एक भाले और एक एक तलवार के लिए तरस रही थी, उस वक्त उनको हथियार वीर खटकों ने दिया। घास की रोटी की चर्चा तो हम सभी ने सुनी होगी, जब भी महाराणा का नाम आता है घास की रोटी की बात जरूर आती है। लेकिन उस वक्त जब महाराणा प्रताप और उनकी सेना एक एक रोटी के लिए परेशान थी तो किस घास से रोटी बनती है और किस प्रकार बनती है, ये बात भी उस वक्त महाराणा और महाराणा प्रताप की सेना को वीर खटकों ने बताया। अब इस वक्त उस जंगल में तीन ऐसी विचारधाराएं एक साथ हो चुकी थी जिसमें महाराणा प्रताप, भामाशाह और वीर खटकों का कबीला इकट्ठा हो चुका था और ऐसे में ये तीनों विचारधाराएं जो देशभक्ति से ओतप्रोत थीं,
उस वक्त की लोकोक्तियों को अगर हम देखें और पढ़ें और समझें तो हम देखेंगे कि जो साथ इतिहास में भामाशाह ने महाराणा का निभाया है, जो साथ महाराणा का वीर खटिको ने निभाया है, वो साथ वैसा साथ इतिहास में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इतिहास इन वीरों को हमेशा याद रखेगा। जहां पर दान की बात आएगी तो भामाशाह को हमेशा याद रखा जाएगा। जहां पर वीरता की बात आएगी वहां पर वीर खटकों को हमेशा याद रखा जाएगा। जहां पर घोड़े की बात आएगी वहां पर चेतक को जरूर याद रखा जाएगा। महाराणा प्रताप के तेज से तो इतिहास में वो अपना नाम अमर कर गए, लेकिन वो अमर कर गए उन और तीन नामों को जो हिंदुस्तानी इतिहास में हमेशा गुमनाम रहे हैं। उसमें से एक भामाशाह था तो दूसरा चेतक और जो तीसरा नाम था वो वीर खटकों का था। मैं आज इस चैनल के माध्यम से उन वीर खटकों को नमन करता हूँ। इस साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वर्ष आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।